CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम दोस्त। आलेख सरोजनी प्रीतम का है और इसे प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु दयाल खट्टर। दोस्तों, रिंकू बहुत शैतान था। उसे हर समय शरारत ही सूझती थी। अपने दोस्तों के साथ रिंकू सबको तंग करने के तरीके सोचता। उसके साथ टिल्लू, बिल्लू, सिंकू और पिंकू भी थे। रिंकू सिंकू सारे सबको करते तंग, सीखा कोई नहीं अच्छे अच्छे ढंग। किसी को पीटे, किसी को मारे, मार पीट में कभी न हारे। सारे थे परेशान, इनको कैसे संभालें, कोई नहीं समझता इनकी लंबी चालें। एक बार रिंकू अपने दोस्तों के साथ बाग में गया। सिंकू और रिंकू ने बाग के माली को बातों में लगा लिया ताकि टिल्लू, बिल्लू और पिंकू आम तोड़ लाए। टिल्लू, बिल्लू और पिंकू आम तोड़ लाए और पांचों दोस्तों ने खूब आम खाए और फिर पांचों आम की गुठलियों को मिट्टी में दबाकर भाग गए। माँ रिंकू की शरारतों से बहुत दुखी थी। माँ ने रिंकू को बहुत समझाया पर रिंकू ना समझा। अब रिंकू की चौकीदारी जरूरी है, ये सोचकर माँ ने रिंकू की खोज खबर के लिए एक नौकर रखा। नौकर का नाम था भोलू। रिंकू ने भोलू को गौर से देखा और बोला, ओहो, तो आप हैं नौकर जी। जी हाँ जी हाँ। जानते हो तुम्हें क्या करना होगा? जी हाँ जी हाँ, मैं आपका सब काम करूँगा, आपकी हर बात मानूंगा और आपके साथ रहूँगा। तो चलो हमारे साथ, हमारे दोस्तों से मिलने। चलिए चलिए। तो यह है भोलू, तुम्हारा नौकर। हाँ, इसे मेरी हर बात माननी होगी। चलो इसे भी जंगल में ले चलें। जंगल जंगल जंगल। अरे अरे भोलू, घबराओ नहीं, जंगल यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ हाँ, मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, जानते हो फिर क्या हुआ? सब जंगल की ओर चल पड़े। रिंकू भोलू की चौकीदारी से छुटकारा पाना चाहता था। काफी दूर जाकर रिंकू को शरारत सूझी। वो बोला, देखो भोलू। जी जी। कल सुबह तक ये छोटा सा पेड़ काटकर घर लाना है। जी। इसकी दो कुर्सी बनेगी। पेड़ ना ला सको तो घर भी मत आना। और हाँ, अगर माँ तुम्हें कहीं मिल जाए तो कहना, मालकिन मैं नया हूँ, रास्ता भूल गया था, खबरदार और कुछ बताया तो अच्छा ना होगा। जी जी। क्यों, सुना कि नहीं? जी सुना सुना। चलो सिंकू चलो, भोलू पेड़ तो काट नहीं सकता इसलिए ये भाग जाएगा और इससे छुट्टी मिल जाएगी। माँ से कहेंगे भोलू भाग गया है, ठीक है? ठीक है। बेचारा भोलू पेड़ को देखने लगा। उसे मालूम था कि उसे पेड़ तो काटा नहीं जा सकेगा, बस इसीलिए वो दुखी सा बैठ गया। भोलू ने देखा पेड़ पर बैठे पक्षी टहनियों पर चोंच मार रहे हैं, खटखट खटखट खटखट। सुनकर भोलू पक्षियों से प्रार्थना करने लगा।
खट 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 मिलजुल कर सब पेड़ उखाड़ो, झटपट 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 मिलजुल कर सब पेड़ उखाड़ो, झटपट 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 एक एक शाखा सब तोड़ गिराओ नीचे, एक एक शाखा सब तोड़ गिराओ नीचे, मैं बैठा हूँ तब तक देखो अखियां नीचे, झटपट 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 तोड़ गिराओ पेड़ टहनिया, तोड़ गिराओ पेड़ टहनिया, झटपट 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 मिलजुल कर सब पेड़ उखाड़ो, मिलजुल कर सब पेड़ उखाड़ो, झटपट 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 झटपट। लेकिन दोस्तों, भोलू की प्रार्थना सुनने के बाद भी किसी भी पक्षी ने भोलू की मदद नहीं की और धीरे धीरे सारे पक्षी उड़ने लगे। बेचारा भोलू थका हारा तो था ही, उसे झपकी आ गई। जब उसकी आंख खुली तो वह हैरान हो गया। अरे, पेड़ की सारी लकड़ियां कटी पड़ी थी। लकड़हारा सारा पेड़ काट कर उसकी टहनियों से पत्ते उतार रहा था। भोलू हैरान सा पूछ बैठा, आप कौन हैं? कोई देवता है क्या? नहीं तो, मैं तो रामू लकड़हारा हूँ। लकड़हारा? हाँ। रामू लकड़हारा? आप रामू लकड़हारा हैं? हाँ। देखिए, अब ये लकड़ियाँ मुझे वहाँ रिंकू के घर तक ले जानी होंगी। रिंकू? वरना मुझे वो घर नहीं आने देगा। रिंकू के घर? मैं समझा नहीं। और तब भोलू ने अपनी मजबूरी लकड़हारे को बताई। रामू ने भोलू की मदद करने का फैसला कर लिया और वो भोलू के साथ घर पहुंचा। रिंकू की माँ को भोलू ने सारी बात बता दी। रामू लकड़हारा भी उसके साथ था। माँ को रिंकू पर बहुत गुस्सा आ रहा था। और इधर खेलते खेलते रिंकू और सिंकू काफी आगे निकल गए। रात हो गई, दोनों रास्ता भूल गए। रात भर भटकते रहे, दोनों भूख से बेहाल हो गए। रात भर भोलू बच्चों को ढूंढता रहा और सुबह किसी तरह दोनों को ढूंढकर घर पहुंचा। माँ ने रिंकू को देखते ही उसे बहुत डांटा। रिंकू काफी देर तक रोता रहा। तब माँ ने उसे समझाया कि उसे भोलू के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। रिंकू ने भोलू से माफी मांग ली और उस दिन से भोलू और रिंकू में गहरी दोस्ती हो गई। अब रिंकू ने शरारत करना बिल्कुल छोड़ दिया था। रिंकू दिन भर भोलू के साथ खेलता। रिंकू भोलू दोस्त बन गए, अच्छे अच्छे दोस्त बन गए। नहीं करता था रिंकू तंग, उसने सीखे अच्छे ढंग। रिंकू भोलू दोस्त बन गए, अच्छे अच्छे दोस्त बन गए। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।